हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर हम ESP के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये लास्ट पार्ट है। चलिए हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में मैंने चार टॉपिक्स को कवर किया है। फर्स्ट, पार्टिकल माइग्रेशन वेलोसिटी, सेकंड, कलेक्टिंग प्लेट एरिया, थर्ड, एस्पेक्ट रेशियो, और चौथा है सेक्शनलाइजेशन। तो आगे हम देखते हैं ESP के इस चार टॉपिक्स को। हमारा पहला टॉपिक है पार्टिकल माइग्रेशन। अभी जो हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, जो कि है कलेक्शन एफिशिएंसी, इससे हम फाइंड आउट करते हैं, और इसी से हम माइग्रेशन वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, और अफेक्टिंग कलेक्टिंग एरिया भी इसी इक्वेशन से आएगा। गैस फ्लो थ्रू ESP इन क्यूबिक पर सेकेंड, ये भी हम इसी इक्वेशन से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन वेलोसिटी होती क्या है। माइग्रेशन वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम चीज़ है, आइए उसको समझते हैं। डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से चार्ज होने के बाद डस्ट पार्टिकल जब कलेक्टिंग प्लेट की तरफ जिस स्पीड से माइग्रेट होता है, उस स्पीड को ही माइग्रेशन वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइग्रेशन वेलोसिटी इक्वेशन। इसमें ओमेगा जो है माइग्रेशन वेलोसिटी है, और DP पार्टिकल का डायमीटर है, और E0 जो है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड चार्जिंग के कंडीशन में, और EP जो है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कलेक्टिंग के कंडीशन पे, और म्यू जो है गैस वेलोसिटी है। इस इक्वेशन से ये रिजल्ट निकलता है कि फील्ड इंक्रीज होगा तो माइग्रेशन वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। हमने माइग्रेशन वेलोसिटी होता क्या है और उसका इक्वेशन देखा। अभी देखते हैं माइग्रेशन वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर हैं। फर्स्ट तो डस्ट पार्टिकल का साइज़, सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ गैस। ये तीनों जो हैं अफेक्टिंग फैक्टर हैं माइग्रेशन वेलोसिटी के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिंग प्लेट एरिया, जो कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वही पूरी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंडरसन इक्वेशन, हम देखते हैं कि कलेक्टिंग प्लेट एरिया इंक्रीज होगा तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ESP में जो कलेक्टिंग प्लेट और डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का जो अरेंजमेंट होता है, वो फ्लो गैस के फ्लो के पैरेलल में होता है। आगे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ चैनल। नंबर ऑफ चैनल होता क्या है। द पैसेज बिटवीन टू कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड चैनल। इसको हम लोग चैनल कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ चैनल इक्वल टू N-1, और N जो है नंबर ऑफ कलेक्टिंग प्लेट है। नंबर ऑफ चैनल के बाद हम आगे देखेंगे एरिया ऑफ कलेक्टिंग प्लेट इक्वेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है एरिया ऑफ कलेक्टिंग प्लेट स्क्वायर मीटर में, AP है एरिया इन ईच प्लेट हाइट इनटू लेंथ, और N नंबर ऑफ प्लेट, और NS जो है नंबर ऑफ सेक्शन। इसके बाद देखेंगे हम SCA, जो कि होता है स्पेसिफिक कलेक्शन एरिया, और ये होता क्या है वो देखेंगे। और ये भी एंडरसन इक्वेशन पे ही डिपेंड करता है। कलेक्टिंग सरफेस एरिया और फ्लो गैस फ्लो के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक कलेक्शन एरिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इसका फॉर्मूला। हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो हम उसे कहते हैं ESP की लेंथ और ESP की हाइट के रेशियो को ही हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, जो कि नॉर्मली 0.5:2 होता है। ESP की कलेक्टिंग प्लेट के जो इफेक्टिंग एरिया है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो एग्ज़ाम्पल में मैंने शो किया है। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है सेक्शनलाइजेशन ऑफ ESP। हम ESP को सेक्शन वाइज कैसे और क्यों डिवाइड करते हैं। ESP को सेक्शन में डिवाइड करने से हम इसको एक तो मेंटेनेंस कर सकते हैं, और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है सेक्शन में डिवाइड करने से ESP फील्ड को। मेंटेनेंस पर्पस से देखेंगे तो हमारा किसी भी फील्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसे शट डाउन लेकर के उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और बाकी के फील्ड हमारे
चार्ज रहेंगे। इसके लिए हम इसको सेक्शन में और सेपरेटली डिवाइड करके रखते हैं। डिवाइड करने से इसकी हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है एसपी की। ओके फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।